दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो लैब्स पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ ये बाइक जो कि दी ब्रांड न्यू सुजुकी जिक्सर SF250। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो भी देखने को मिलने वाला है ऑन द चैनल, तो उसके लिए आप बने सकते हो। वो वीडियो देख के आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द वॉक अराउंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, नेक्स्ट कौन सी कार बाइक स्कूटर आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपका भाई उस पर वीडियो बना देगा। अब जो वॉक अराउंड को स्टार्ट करता है, लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द SF250। राइट एट द सेंटर यहाँ पे आपको जो एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे छोटी सी विंडस्क्रीन आपको दी गई है। यहाँ पे आपके मिरर्स जो इस तरह से प्लेस किए गए हैं। इंडिकेटर के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं तो आगे आपको जो है 110/70/17 का टायर प्रोफाइल आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। आगे आपको जो है 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात की है तो आगे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है। USD फोक्स होते तो और भी चार चांद इस बाइक पे लग जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, अब यहाँ पे इसी आप देख सकते हो बहुत ही शार्प, बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग ये बाइक है फॉर श्योर। सो इट इज़ अ हेड टर्नर। जैसे आप इस बाइक को लेके रोड पे निकलेंगे तो जो है बहुत सारे लोग इसको जो चेकआउट करने वाला है। तो डिज़ाइन के मामले में बहुत ही शानदार बाइक ये बनाई गई है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो जो इसकी सीट हाइट है वो है 800mm की। जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है दैट इज़ 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो कर्व वेट है वो है 161 kg का। बाय द वे फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की। मैं इस बाइक पे जो है बैठ के भी आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है या नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो बाइक को स्टार्ट करके मैं आपको जो इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जो है बने रहना मेरे साथ। साइड में आपको जो है फुल फेयरिंग के साथ ऑब्वियसली ये बाइक आ जाती है। यहाँ पे जिक्सर SF की ग्राफिक्स दिए गए, SCP टेक्नोलॉजी के साथ आती है। सुजुकी की ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 12 लीटर की फ्यूल टैंक आपको मिलती है। स्प्लिट टाइप सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सीट की कुशनिंग जो है थोड़ी और बेटर मेरे हिसाब से हो सकती है। यहाँ पे चंकी आपको जो है ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग क्रोम के साथ जो है एक चंकी एग्जॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इंजन के बारे में बात की जाए तो इस बाइक को पावर करता है 249cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो कि बनाता है 26.5 PS की पावर और 22.2 Nm का टॉर्क। तो ये बात रही अबाउट द इंजन। चलते हैं पीछे के टायर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है टायर हगर देखने मिल जाएगा। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और यहाँ पे टायर प्रोफाइल के बारे में बात की है तो 150/60R17 का आपको जो है यहाँ पे टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आपको जो है यहाँ पे मोनोशॉक जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर एंगल से ये बाइक जो है और भी ज़्यादा मस्कुलर आपको देखने के लिए मिल जाती है। डिज़ाइन वाइज आई एब्सोल्युटली लव द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक। आई एब्सोल्युटली लव स्पोर्ट्स बाइक इन जनरल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स द रीज़न वाई आई लव दिस बाइक एज वेल। अब यहाँ पे पीछे आपको जो LED टेल लाइट देखने मिल जाती है। इंडिकेटर्स अगेन नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलता है। रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे फुटपैक की क्वालिटी जैसे कि आप देखिए काफ़ी अच्छी आपको जो है डिसेंट इनफ देखने में मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो है 6-speed का गियर बॉक्स आपको देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स है बाय द वे। और यहाँ पे आपको जो है क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी आपको जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। डिसेंट इनफ क्लच है। जब आप सिटी में इसको चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ये क्लच जो है वो नहीं देगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। यहाँ पे आपको जो है हाई बीम लो बीम के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे पास लाइट स्विच के लिए बटन दिया है। इंडिकेटर के लिए बटन दिया गया है। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, उससे पहले यहाँ पे आपको जो है आपका इंजन किल स्विच मिल जाता है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन दिया गया है। क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ ये बाइक आती है। USB चार्जिंग पोर्ट होता तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। यहाँ पे कोई इस तरह से ये बाइक आपको वेलकम करती है। एंड फुल्ली डिजिटल आपको जो है इंस्ट्रूमेंट कर्सर देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोड के लिए बटन दिया है, सेट के लिए बटन दिया गया है। मोड का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पेयरिंग जो है वो ब्लूटूथ से आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है। ये वाले बटन से आप जो है ओडोमीटर रीडिंग देख सकते हो। ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज आप देख सकते हो दोनों ट्रिप मीटर्स के लिए। एवरेज यहाँ पे 30.2 km/L का दिखा रहा है विच इज़ रियली वेरी नाइस आई वुड से। सो ये बात रही अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करते हैं अबाउट द हॉर्न। तो हॉर्न जो है कुछ इस तरह का साउंड करता है। अब आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात कर लिया है अबाउट दिस बाइक। अब मैं आपको क्विकली इस बाइक पे बैठ के दिखा देता हूँ और देख लेते हैं कि क्या ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है या नहीं। सो जैसे मैं आपको बताया कि फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की और जो इस बाइक की सीट हाइट है दैट इज़ 800mm की सीट हाइट है। यहाँ पे रोड जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी फ्लैट रोड। सो यहाँ पे जो है मैन्यूवर करने में आपको जो है इस तरह के रोड पे इसको दिक्कत नहीं आएगी। 161 kg का वेट है तो बहुत ज़्यादा हैवी बाइक भी नहीं है ये। सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम।
पर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हाइट है 5'6" की और यहाँ पे सिर्फ मैं अपने जो है टोज नीचे टच कर पा रहा हूँ, यहाँ पे हील जो है इट माई हील स्टिल इन द एयर। सो यहाँ पे कोई इस तरह की कंडीशन जो है वो आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे मेरे जो टोज है दे आर ऑन द ग्राउंड, माई हील इज स्टिल इन द एयर। तो अगर आप 5'5" और 5'6" हो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रफ पैच ऑफ रोड पे जो है आगे पीछे करने में हो सकता है कि आपको जो थोड़ी सी दिक्कत आए, अगर आपकी हाइट उससे शॉर्ट है तो आप जो है डेफिनेटली आपको एक सिटी टेस्ट राइड इस बाइक की लेनी चाहिए। सो गाइज ये थी बातें अबाउट द जिक्सर SF 250। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इस बाइक के बारे में ऑलरेडी कवर कर ली है। अब बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग एंड द कलर ऑप्शंस। तो इसमें आपको जो है कलर ऑप्शंस की मैं बात की है तो 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है मैट ब्लैक, मैट ब्लू और जो है एक लाइट ब्लू एंड सिल्वर कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको लाइक आई टोल्ड यू इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस बाइक में आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, जो इसकी एक शोरूम प्राइस है दैट इज आपको देखने मिल जाती है, जो राइड कनेक्ट एडिशन है उसकी एक शोरूम प्राइस है 2,07,170 रुपीज़। एट दिस प्राइस पॉइंट किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, अगर आपको स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको रिफाइंड इंजन चाहिए, आपको जो है काफ़ी डिसेंटली रिफाइंड यहाँ पे जो इंजन देखने को मिल जाता है, पावर एंड परफॉर्मेंस इस इंजन से जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाएगी, डेफिनेटली पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। और जो गियर बॉक्स है इट इज़ अ वेरी स्मूथ शिफ्टिंग यूनिट, क्लच मैंने आपको बता दिया है। बात की जाए राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस के बारे में तो राइड क्वालिटी जो है इट इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, सो खराब सड़कों से आपको जो है इस बाइक को थोड़ा धीरे लेकर के जाना पड़ेगा। और बात की है हैंडलिंग के बारे में, हैंडल बार जो है वो वे अप काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेता है एट हायर स्पीड्स और अराउंड द कॉर्नर्स जो है आपको फील एंड फीडबैक बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है फ्रॉम द हैंडल बार। सो दैट इज़ अबाउट द दिस थिंग। अब बात की जाए इसके ब्रेकिंग के बारे में तो आगे पीछे आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, अंडर हैवी ब्रेकिंग ये बाइक स्किड नहीं होती है, दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट द बाइक। और बात की जाए इसके फील एंड फीडबैक के बारे में, अंडर हैवी ब्रेकिंग ये बाइक जो है आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर हजार्ड लैम्प आपको जो है वो नहीं मिलता है, टेल लाइट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाती है, एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर दिया नहीं गया है, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मिस। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीज़ें कवर कर ली है अबाउट द बाइक। अब जो है क्विकली एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय। बाय द वे अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद है आप हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल ऑटो ड्राइव चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको यूज कार यूज बाइक्स देखनी है तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे जो है autorevs.preowned पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको जो है यूज़ का बाइक्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो वहाँ से जो है आपको बहुत सारी बाइक्स और कार्स देखने के लिए मिल जाने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।